हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप वीवो V21e 5G के यूजर हैं ना, तो आपके लिए वीवो ने दिसंबर के मंथ में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। हालांकि ये अपडेट बहुत सारे लोगों को कुछ दिन पहले ही मिल चुका है, लेकिन आज के डेट में मुझे अपडेट मिला, इसलिए थोड़ा सा वीडियो इस पर लेट आ रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ना इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, इस अपडेट के बाद वीवो V21e 5G का हम अंतुतु बेंचमार्क स्कोर चेक करेंगे और देखेंगे कि पहले की तुलना में इसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है या इंक्रीज हुआ है या पहले जैसा ही है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके वीवो V21e 5G में क्या नया अपडेट देखने को मिला है। और बात करें दोस्तों वीवो V21e 5G के अपडेट की, तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग में ले चल रहा हूँ और यहाँ पे सिस्टम अपडेट में देख सकते हैं कि सिस्टम अपडेट में एक अपडेट आया हुआ है। इसको क्लिक करें तो जो अपडेट आया है उसका इंटरफेस सामने आ जाएगा। बात करें दोस्तों वीवो V21e 5G के अपडेट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीवो V21 5G का जो ओल्ड वर्जन है वो है 11.0.8.10। और दोस्तों, जो अपडेट जारी किया गया उसके वर्जन की बात करें तो वो है 11.0.9.2। और साइज की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप 226 MB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे वीवो ने सिस्टम पे काम किया है और सिक्योरिटी पैच के साथ जो भी थोड़ा बहुत आपके फोन में इश्यू आ रहे थे, बग्स आ रहे थे, उसको फिक्स करने की बात की गई है। अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो सबसे पहले आपके फोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जो कि December 2021 का है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपके वीवो V21e में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। और वहीं पे दोस्तों कुछ थर्ड पार्टी एप्स क्रैश कर रहे थे। ये प्रॉब्लम मैंने भी देखा था, कई बार मैं काइन मास्टर से वीडियो एडिट करता था ना तो वो क्रैश हो जाता था, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई है। और वहीं पे दोस्तों अगर नेटवर्क में आएंगे तो आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज नेटवर्क एडाप्टेबिलिटी एंड फिक्स द ओकेजनल इशू ऑफ अनेबल कॉल। कई बार कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था तो उसको भी यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई है। हालांकि ये प्रॉब्लम मुझे अपने वीवो V21e में देखने को नहीं मिला है। और साथ में दोस्तों ऑप्टिमाइज द नेटवर्क एडाप्टेबिलिटी व्हेन वाईफाई एंड ब्लूटूथ आर इनेबल्ड, यानी कि वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ जो भी कनेक्टिविटी में इशू आ रही थी उसको भी फिक्स करने की बात की गई है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात करें तो कई बार हम कोई कॉन्टैक्ट सेव करते थे ना तो वो टाइम लगता था उसको सेव होने में, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और मोर में एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो यहाँ पे वीवो ने और मोर में यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो वीवो ने फन टच ओएस को एक तरह से एडवर्टाइज किया गया है और उसके पेज को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। दोस्तों ये रहा अपडेट का इंटरफेस। एक बार मैं इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करता हूँ और देखता हूँ कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इस अपडेट के बाद अंततः बेंचमार्क स्कोर कितना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो अपडेट आया था मेरे वीवो V21e 5G में, ऑलरेडी मैं उसको अपडेट कर चुका हूँ और 3 से 4 मिनट टोटल टाइम लगे इस अपडेट में। और बात करें दोस्तों इस अपडेट के बाद, तो आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो लेटेस्ट वर्जन पे रन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका वर्जन और चेंज लॉक की तो ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं। और इस अपडेट के बाद अगर सिक्योरिटी पैच की बात करें तो उसको भी मैं आप दिखा दूं कि इस अपडेट के बाद सिक्योरिटी पैच क्या है वीवो V21e 5G का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इस अपडेट के बाद वीवो V21e का जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 December 2021 का है। तो दोस्तों इस अपडेट में कोई एडिशनल फीचर तो मुझे देखने को नहीं मिला है। और इसके पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि वीवो V21e का जो अंततः बेंचमार्क स्कोर आया था वो कितना आया था, एक बार मैं आपको दिखा दूं। ऑलरेडी मैंने पहले चेक किया था उसको, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं अंततः बेंचमार्क स्कोर चेक करूंगा। आप देख सकते हैं 357,300 के आसपास देखने को अंततः बेंचमार्क स्कोर मिला था इस अपडेट से पहले। तो एक बार मैं दोबारा इसका अंततः बेंचमार्क स्कोर चेक करता हूँ और देखता हूँ कि कितना मिल रहा है इस अपडेट के बाद। तो ट्राई अगेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस अपडेट के बाद जो अंततः बेंचमार्क स्कोर मिला वो 357,000 के आसपास पहले जैसा ही मिला है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके कोई इशू तो देखने को नहीं मिलेगी। और इस पूरे प्रोसेस में 2.3 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और 2% का बैटरी ड्रेन हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए बहुत बढ़िया अपडेट है। अगर ये अपडेट आपको मिल जाए तो डेफिनेटली आप अपडेट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो दोस्तों इसका एक डिटेल रिव्यू लेकर जरूर आऊँगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि वीवो V21e 5G में Android 12 का जो अपडेट है वो कब देखने को मिलेगा। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, जब भी कोई अपडेट आएगा Android 12 को लेकर तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।